Hello kids, welcome to math session. Today we are doing chapter factorization और आज इस session में we are going to do one exercise. So हम लोगों ने इसका concept सीख लिया है. So today with one exercise we are going to do some practice questions. So let us start doing the exercise. The first thing we are going to do in this, find the common factors of the given terms. अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे. हमें मालूम है 12x का फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 6 आएगा. तो हम फिर 6 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इसको ऐसे देखें, 6 सॉरी अगर हम 12 का लेते हैं ना, सो 12 का हम टू सिक्स आर 12, टू थ्री आर 6 एंड 3 वन आर 3. सो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स. 36 का क्या होगा, लेट अस चेक. 36 18 9 3 3. सो इसके आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ओनली दिस. सो हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स. तो एक हमें 2 मिला, वन मोर 2 एंड 1 3 जो हमें कॉमन मिले. सो 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12. सो कॉमन फैक्टर फॉर फर्स्ट इट इज 12. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x का 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स एंड 4 का 2 इंटू 2. सो 2 यहां पर है, 2 यहां पे, बट नो 2 हियर. यहां पर x है, यहां पर x है, नो x हियर. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, 1. क्लियर. नेक्स्ट आया है. अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. तो tan PQ का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू. 20 क्यू आर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर. 30 का आर पी का क्या हो जाएगा, 2 देन 3 इंटू 30 का देखते क्या आएगा. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 15. सो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी. 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आर पी. कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, 2 2 2 तो हमने 2 लिखा, 5 5 5 सो इंटू 5. पी यहां पर पी नहीं है, क्यू क्यू यहां पर क्यू नहीं है. सो हमें जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है दैट आई एम गेटिंग इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर. सो दिस के इसका क्या फैक्टर हो जाएंगे, दिस विल बी 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई. फिर 10x क्यूब वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई. एंड देन 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड. सो हमें x यहां मिला, यहां मिला, यहां पर मिला, तो एक x आ गया. x x
एंड हियर आई ऑल्सो गेट वन मोर एक्स. अब वाई देखते हैं, वन वाई, हियर आई गॉट वन वाई, वन वाई. तो वाई आई कैन गेट वन मोर वाई. नंबर में आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन. तो मेरा आंसर जो कॉमन हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो दिस इज द कॉमन फैक्टर दैट वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमें फैक्टराइज करना है तो हम इसमें से कॉमन फैक्टर लेंगे. तो देखते ही हमें पता चल रहा है कॉमन इज 6, देन p माइनस 2 क्यू. सो हमने कॉमन 6 लिया तो 6p, 6 2 12, 12 क्यू. इन द सेम वे हम इसको कैसे लेंगे, 7 हमारा कॉमन आ गया, a इज ऑल्सो कॉमन, अंदर a प्लस 2. सो अब हमने देख लिया हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स. अब जब हमें फैक्टराइज करना होता है, वी टेक आउट द कॉमन फैक्टर आउटसाइड, फिर जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वी राइट इनसाइड द ब्रैकेट. नेक्स्ट, अब हमें इसको सॉल्व करना है, हाउ आर वी गोइंग टू डू. सो इसमें हमें देखते ही पता चल रहा है क्या है, 5 हमें कॉमन मिलेगा, देन इनसाइड इट विल बी 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर. इन दिस वे वी हैव फैक्टराइज इट बिकॉज ऑल आर जो वेरिएबल्स हैं दे आर डिफरेंट a b c, तो वी कैन नॉट टेक एनीथिंग आउटसाइड कॉमन इन द ब्रैकेट. नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर. तो हमें देखते ही पता चल रहा है एक एक्स हमें कॉमन मिलेगा, देन वाई स्क्वायर वाई, तो आई कैन टेक वन वाई कॉमन एंड आई कैन ऑल्सो टेक जेड एज कॉमन. सो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड में आई हैव टेकन एक्स वाई जेड एज कॉमन, सो इनसाइड देयर विल ओनली बी एक्स. Now, इसमें आप देखें x I have already taken, this is y, one y I can write because this is y square and z is already out there. Next देखते हैं एक्स वाई इज देयर, आई टू मेक अ स्क्वायर आई नीड टू कीप अ z इनसाइड इट. सो मेरा आ गया आंसर एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज. अब इसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, दीज आर फोर टर्म्स, तो हम इसको टू टू के पेयर में वी आर गोइंग टू टेक इट. नाउ अब पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, देन वी विल लुक फॉर दिस. तो कैन आई टेक एनीथिंग कॉमन फैक्टर, यस आई कैन टेक 3 एज कॉमन फैक्टर. तो 3x बिकॉज बोथ हैव x, यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 3 5s आर 15 होता है, एंड y आई हैव ऑलरेडी टेकन x आउटसाइड, तो मेरा आ गया 3x 5y और यहां पे क्या बचा, ओनली 2. क्लियर. अब 5y माइनस 2 में व्हाट इज कॉमन, 1. So I will take plus 1 and then inside I will keep 5y minus 2. So now हम इसका पेयर बनाएंगे, तो 3x plus 1 और 5y minus 2, 5y minus 2, तो I will write only once 5y minus 2. This is the answer for this question. समझ में आ रहा है ना, हाउ डू वी डू द फैक्टराइजेशन. तो इसमें हम लोगों ने, बिकॉज दे आर, हमें फोर हमें डिजिट्स आर देयर, एक्सप्रेशंस आर देयर, तो वी हैव मेड अ पेयर ऑफ 2 2 2. फिर 2 में से वी हैव टेकन द कॉमन फैक्टर, और जब हमने कर लिया अगेन जो हमारे पास कॉमन कॉम्बिनेशन था उसको एक कंबाइंड वे में वी हैव
kept it together and then have given the answer. Let us move to the next question. Ax plus bx minus ay minus by. तो अगेन क्या है, देयर आर यस फोर एक्सप्रेशन है, तो गोइंग टू मेक पेयर ऑफ दिस. सो ए एक्स प्लस बी एक्स में वॉट इज कॉमन, क्या कॉमन है, एक्स. सो एक्स हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां पर ए एंड प्लस करके बी. वेरी गुड, x a plus b. अब टेल मी what टू टेक कॉमन here. सो हमने जो फैक्टराइजेशन करा है तो वी हैव सीन कि जो हम ब्रैकेट्स में लेते हैं दे शुड बी विद द सेम साइन एंड विद द सेम वेरिएबल. तो अंदर हमें ये हमें थोड़ा सा थिंक ओवर करना चाहिए बिकॉज इनसाइड वी वॉन्ट प्लस b. तो what आई एम टेकिंग माइनस y as कॉमन and then putting a. So when these two will get multiplied, what I will get? Minus ay. And I want the same thing. I want minus ay. Clear? Next, ab y already I have taken common. So inside, kya mujhe likhna hai? I have to write b. Lekin with which sign? I want minus b. Hai na? तो मैं लिखूंगी यहां पे प्लस, क्योंकि माइनस वाई प्लस बी विल गिव मी आंसर माइनस बी वाई, क्योंकि प्लस इनटू माइनस द आंसर इज माइनस. तो ए प्लस बी हियर, ए प्लस बी हियर, क्या हो गया, एक्स माइनस वाई देन ब्रैकेट ए प्लस बी. क्लियर हुआ आपको? So this is the way we can do the factorization. ध्यान से देखें इस सम को. So इस सम में हमने यह सीखा how can we take the things common as well as how can we put focus on the signs also. Once this negative sign is there, तो we have to be very very careful के क्योंकि जब हम इन factors जो हमने लिया है बाहर उनको जब multiply कर रहे हैं तो जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है इट शुड मैच एग्जैक्टली विद इट. देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज इन द वेरिएबल एज वेल एज देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द साइन. क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ कैन वी डू द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन सम्स. So this was the learning for us today. In the next session, we'll take more sums from the same chapter. ठीक है? So और थोड़े से हमें और चीजें भी अभी चैप्टर में सीखनी है और इसमें जैसे कैसे फैक्टर्स करते हैं, कैसे कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, उस पर वी आर डूइंग सम्स. और आगे भी जो हमारा सेशंस चलेंगे उसमें और भी प्रैक्टिस करेंगे. तो सी यू अगेन, बाय.